तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू करने की अधिसूचना जारी की जाएगी। हालांकि अमित शाह ने साफ किया कि CAA किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, लेकिन शाह के इस ऐलान के बाद जिस तरीके से सियासी बयान आ रहे हैं उससे आशंका बढ़ जाती है कि कहीं चुनाव से पहले इसे लागू करने से देश में फिर 5 साल पहले वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए ये कानून उसके लिए है ही नहीं। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहे हैं। CAA आ रहा है, कौन डरा रहा है? लोकसभा चुनाव का समय करीब आते ही CAA का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने CAA को लेकर फिर से देश में हलचल मचा दी है। अमित शाह ने कहा है कि चुनाव से पहले ही देश में CAA आ जाएगा। उनका पूरा बयान पहले आप सुन लीजिए। CAA देश का कानून है, 2019 में कानून पारित हुआ था, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से होगा। चुनाव से पहले ही CAA को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। अमित शाह ने ये बयान एक निजी कार्यक्रम में दिया। हालांकि 3 महीने पहले भी उन्होंने कोलकाता की एक रैली में CAA लागू करने को लेकर बयान दिया था। मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूँ, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। अब आपको बता दें कि जिस CAA को लेकर पिछले कुछ दिनों या महीनों में फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है, वो आखिर है क्या? CAA 3 पड़ोसी देशों के प्रवासियों की नागरिकता से जुड़ा कानून है। ये नियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के प्रवासियों के लिए है। CAA से 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों में ढील दी गई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रवासियों के लिए नियम है। CAA कानून नागरिकता कानून 1955 के आधार पर बना है। वास्तवता ये है कि CAA देश का कानून है और ये जो CAA का कानून बन चुका है ये सिर्फ उन लोगों के लिए सिटीजनशिप दिया जा रहा है जो लोग माइनॉरिटी उस पार में है। अभी धर्मीय कारण ये लोग प्रताड़ित होके इस देश में आ रहे हैं। इससे ये मालूम होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान के पॉलिटिक्स में BJP बहुत पीछे है और देश का जनता भाजपा का ऊपर बिगड़ा हुआ है। इसीलिए वो धर्म के नाम के वो डिविजन करने के लिए, पोलराइज करने के लिए ये CAA कार्ड खेल रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आखिर CAA से क्या होगा और ये कैसे काम करेगा। CAA कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए है। इसका मकसद 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देना है। इसके जरिए 5 साल से भारत में रह रहे 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। नागरिकता दिए जाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदक अल्पसंख्यकों को दस्तावेज नहीं देने होंगे। साफ है कि पूरे CAA कानून में कहीं भी किसी भारतीय की नागरिकता छीनने का जिक्र नहीं है, लेकिन 5 साल पहले CAA बिल पर चर्चा से लेकर इसके कानून बनने तक ऐसी ऐसे बातें की गईं जिससे देश के अल्पसंख्यक समुदाय के दिल में एक डर बैठ गया। 5 साल पहले CAA कानून पारित होने के बाद विपक्ष की तरफ से इसके बारे में ऐसे ऐसे बयान दिए गए
जिसका नतीजा संसद से लेकर सड़क तक नजर आया। इन चार तस्वीरों में आपको चार राज्यों का 5 साल पुराना पूरा सूरत हाल नजर आ रहा होगा। हम आपको भले ही चार जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, मगर ऐसी तस्वीरें कई हिस्सों से आई थी। खासकर राजधानी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके शाहीन बाग में 100 दिन तक चले विरोध प्रदर्शन को भला कौन भूल सकता है, जब CAA और NRC के नाम पर ही सैकड़ों की मुस्लिम आबादी सड़क पर डट गई थी, जिसमें मुस्लिम महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। शाहीन बाग में 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक धरना प्रदर्शन चला था। प्रदर्शनकारियों ने 100 दिन तक रास्ता बंद रखा था। दिल्ली पुलिस ने 101वें दिन जबरन रास्ता खुलवाया। ये मामला तब था जब CAA सिर्फ संसद से पास हुआ था, उसे लागू भी नहीं किया गया था। ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे लागू करने की बात की है, तो आशंकाओं का बाजार गर्म होना तय है। अमित शाह ने अपने हालिया कार्यक्रम के दौरान ये भी साफ किया कि ये कानून किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है, जैसा विपक्ष और कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। CAA किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। CAA केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। ये पहला मौका नहीं है। जब दिसंबर 2019 में CAA को मंजूरी मिलने के बाद इसे लेकर भ्रम फैलाने वालों को केंद्र सरकार की तरफ से समझाने की कोशिश की गई है। अच्छा है, हम सब स्वागत करते हैं, अच्छा कदम है, और देश के नागरिकों को इससे कोई मतलब नहीं। वो लोग हैं जो गलत ढंग से रह रहे हैं, उनको दिक्कत आएगी, और बाकी तो देश के नागरिक स्वागत कर रहे हैं। BJP का जो प्लान है वो प्लान एकदम क्लियर है, पोलराइजेशन करो और सत्ता में आओ। सरकार जो है वो करे, लेकिन अब वो सरकार नहीं रहेगी, ये सरकार का जाने का समय आ गया है। PM मोदी खुद कई बार देश को CAA के बारे में खुलकर समझा चुके हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। मगर बार बार अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को CAA के नाम पर उकसाने का काम किया गया, जिससे नए नए विवाद जन्म लेते रहे। CAA के जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप, संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप और समानता के आधार को खत्म करने का आरोप लगा। साथ ही तीन देशों के मुस्लिमों को भी नागरिकता की मांग उठी। इस भ्रम और विवाद के लिए केंद्र सरकार ने बार बार विपक्ष और खासकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, मगर अब जबकि चुनाव नजदीक हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं, ऐसे में CAA लागू करने पर गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान का लोकसभा चुनाव में क्या असर होता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।